जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज का ब्लॉग किस पे है। तो आज का ब्लॉग है, आज जो घर पे पूजा होने वाली नवरात्र की, उस पर आप सोच होंगे इतना रात को मैं क्यों नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। तो मैं बता दूँ, हमारा रात को पूजा होने वाला है और आज हम सोने वाले नहीं हैं। और हाँ, मैं इतनी गर्मी पड़ रही थी कि मैं बता भी नहीं सकती। तो इसके लिए मैंने नाइटी जो है वही पहना था, क्योंकि काम करने के लिए कंफर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद फ्रेश होने के बाद यहाँ पे हम पूजा में लग गए। नहाते ही बज रहे थे, करीब 1 बज रहे थे रात के। और मैंने सब सामान पूजा का है जो लहा के रख दिया था, चावल भी के रख दी थी, एक कटोरी दाल रख दी थी, काली वाली दाल जो रहती है वो। फिर सब पूजा का सामान लहाने के बाद फिर जो मटकी रखी थी उसको मैं धोने गई ना, भाई साहब इतना कलर निकल रहा था ना उसके अंदर से, आप देखो पूरा लाल लाल लाल। और यही पता है, अगर गांव की मटकी रहती ना उसमें कलर नहीं निकलता, क्योंकि ना उसको ना अच्छे से पकाते, ये देखो ना पूरा इतना कलर निकल रहा था ना, पूछो मत, मेरे नल पे भी लग गया था धोते धोते। फिर यहाँ पे मटकी उटकी धो के रख रही थी, और इसी के मतलब पीछे पीछे मेरी मम्मी मौसी सब नहा नहा के फ्रेश हो रहे थे, क्योंकि मम्मी को ही पूजा करने का है। और देखो, आप देख सकते हो हाथ मेरे कैसे लाल हो गए। फिर मैं उसको अच्छे से धो रही थी कि छूट जा, मुझे आटा भी सानने का और काम भी करने का है। ये सब होता रहा, मौसी तब तक फ्रेश हो गई थी, नहा धो के आई। फिर उसके बाद जहाँ पे पूजा करने की थी, मतलब ये जो आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पे मेरा गैस रहता है, तो माता रानी के ऊपर तो हम पका नहीं सकते, तो मम्मी नीचे का जो है सफ़ा करके वहाँ पे पूजा करती है। तो उसको अच्छे से थोड़ा अच्छा लगने के लिए मम्मी उससे पेंट करवा रही थी मेरी मौसी से। तो मैं बोली मौसी कितना देगी पेंट करवाई, कितना लेगी, कितना पैसा? एक दीवार का हमारी कमाई चली जाएगी, हम आपको अपॉइंट नहीं करते, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मौसी कह रही है एक दीवार का 500 रुपया लेगी, बोली भैया रहने दो। और क्या बता, आज रात में सोना नहीं है और पूजा की तैयारी भी हो गई है, सारा सामान भी सब, खाना बनना है। नहीं सोना रहता है, हम लोग 2:30 बजे सोने वाले हैं, सोए नहीं। हाँ ये बात सही है, बम्बई में 2 बज ही जाता है, मैक्स सबके घर पे 2 बज जाता है, 11 बजे सो जाता है। तो क्या फायदा सो के फिर उठना ही 1 घंटे में, तो हम नहीं सोते, तो हम जागे रहते हैं। उसके जगह काम हम करके नहा धो के फ्रेश हो गए हम सब, फिर 2:30 बजे हम खाना ना बनाना स्टार्ट करेंगे, और फिर भोर में पूजा होगा। आज सोना कैंसिल, वरना गांव में रहते तो अभी तक तो 8 बजे तक खाना पीना खा के सो जाओ आराम से, और मस्त उठो। 1 बजे नानी उठती थी, और मेरी पता है बीच वाली मौसी उठती थी, क्योंकि हमेशा वही साथ में रहती थी, ये चैप्टर ये सो जाती थी। इसको यहाँ करना पड़ रहा है, बेचारी मजबूर है, क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ, मौसी का शादी हो गया, तब अब और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है अपने पास। फिर हम सब खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, यहाँ देख सकते एक ही घर में एडजस्ट करना पड़ता है भाई बम्बई में। यहाँ मेरी दोनों बहन देखो आराम से अपना अपना फ़ोन लेके, मतलब एक मौसी का है और एक सोनाली का, अपना अपना देख रहे, और यहाँ हम कोई नहीं। उसको सोनाली को सुबह उठ के दुकान देखना होता है, और परी का तो ठीक है फिर अभी वो सो ही जाएगी। और यहाँ मम्मी स्टार्ट करती है पूजा स्टार्ट करना, मम्मी ने मुझसे पहले ही 1 घंटा पहले ही चावल भी आके रखा था। हाँ तो मुझे क्या लगा उसका खीर बनेगा, फिर बाद में मम्मी बोलती कि चावल से तो स्टार्ट करने को, उसमें हल्दी मिक्स करके और हाथ के छापे लगाएगी। तो मौसी कह रही है पीसी पीस दे, मिक्सर नहीं है, बोली पीस दे। फिर यहाँ पे ऐसे कैसे मौसी थोड़ा मान गई, मना भी नहीं करेगी ना, वरना मेरी मम्मी चिल्लाएगी हम दोनों को। तो मम्मी बोलती है चावल पीसने को, तो फिर यहाँ पे देखो मेरी मम्मी मौसी चावल पीस के देगी, फिर उसके बाद मेरी मम्मी स्टार्ट करेगी पूजा। इतना बड़ा हाइट का ये काम आई, देखो पता है इसमें मैं उतरेगी नहीं भाई, इतना बड़ा हाइट का ये काम आएगा तुम्हारा। हाँ ना, फिर यहाँ पे हमारी दो महारानियाँ मस्त में आराम से मोबाइल चला रही थी, तो जगह कम पड़ रही थी और ये कुर्सी भी जगह छेक रहा था। तो मम्मी कह रही थी कि इसको हटा दे, हाँ फिर से जगह भी मिल जाएगा और खाना बनने में भी जल्दी हो जाएगी।
अब मेरी मौसी बोल रही थी देखो पीली मिट्टी नहीं भाई, रात के हम लोग 12:30 बजे मिट्टी मिल गई। सबसे बड़ी बात वो है मेरी मम्मी मिट्टी लाना भूल गई थी, मतलब कुछ ना कुछ इतना जल्दी जल्दी काम के चक्कर में भूल ही जाती है। रात को मैं 12:30 बजे संदीप भैया के साथ, मेरे भैया जो उसके साथ मिट्टी लेके आई थी, तो यहाँ पे इस मिट्टी के करीब 16 या 12 पता नहीं कुछ कंफर्म नहीं है उतने, ये मम्मी ऐसे छोटे 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 स्टोन बना के पूजा में भी रखती है और बाहर भी। यहाँ आप देख सकते हैं छोटा 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 बना के, देखने में कितना सुंदर लगता है सब। और गिन रही थी सही सही तो हो रहे ना, कितना रखने के और कितना 5 बार रखते मेरे। नानी भी बनाई रही होगी ना, सोई होगी। फोन कर नानी को, फोन कर, मस्त पूछते नानी हमारी क्या कर रही है। हाँ मेरे को याद आ गया कि अच्छा हाँ मेरी नानी भी पूजा करती है रात को, तो मैं मौसी को बोली फोन लगा नानी से बात करते थोड़ा, तो मौसी फोन लगाती है नानी को। ए हाँ देख मैं बोली थी कि आज इस बार जल्दी पूजा करने का मुहूर्त है। कुछ क्या कमी पड़ गया क्या? मैं बोल रही थी ना ये पूजा में इतने छोटे छोटे सामान याद करके लाने पड़ते रखने पड़ते, आप झूठा यूज़ भी नहीं कर सकते कि ऐसा जो घर में हो आप यूज़ कर लो, नहीं वरना फिर पूजा वो ख़राब हो जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है जो हम इतनी मेहनत शिद्दत से कर रहे हर एक चीज़ नया, इवन वो हल्दी हो मर्चा हो नमक ही क्यों ना हो। मेरी नानी नमक भूल गई थी इतने रात को, और नानी गाँव में अकेले भी रहती थी शायद भूल गई होगी, कोई नहीं चालू। फिर यहाँ पे मम्मी का छोटा 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 लोहिया बना के हो गया था, और मेरे मुंह से नाना बाबे निकल गया था बोले बाय ना नानी। तो के नमस्ते कहा थी। अच्छा काम भैया, हाँ मैंने को पता नहीं मम्मी के कल ही कि कहीं का बोलते आज जल्दी तो पूजा को मुहूर्त नहीं तो कतो नहीं ऊपर वाली बहुत कुछ कर। अरे मतलब अरे 1 बजे दुकान बंद बहरे 5 बजे तक जाल जला मंदिर, मतलब ऐसे बस थोड़ा मम्मी की फिरकी ले रही थी। पर ये पूजा सच्ची भोर में ही होता है, 5 बजे तक मंदिर जाते हैं, खाना वाना बन जाती है उनको, घर पे पूजा कर लेते, पर मंदिर सबसे नहीं जाना, जाके तुलसी मैया नहीं तुलसी मैया नहीं नीम के पत्ते की पूजा करते, नीम के पेड़ की पूजा करते। मतलब जो मम्मी चुनरी चढ़ाने के लिए लेके आई थी ना माता रानी को, वो कितनी सुंदर लग रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी है चुनरी वाली साड़ी, मतलब चुनरी वाली साड़ी सच में अच्छी लगती है, रेड कलर की हो चाहे ब्लू कलर की किसी भी कलर की हो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे हम नानी से बात भी कर रहे थे और मम्मी पूजा भी स्टार्ट कर रही थी, तो मौसी नानी को कह रही थी कि अब वीडियो कॉल तो है नहीं, तो कम से कम तू मोबाइल चालू करके रखे रहे, तू हमारी बात सुनना हम तुम्हारी बात सुनेंगे, मतलब ऐसा नानी को अकेला फील भी ना हो। तो नानी वही की, हाँ नानी बस मोबाइल चालू करके रख दी और टीवी चालू की थी ताकि उसको मन शांत रखे, फिर वो अकेले रहती, 2 महला का घर में अकेले रहना इंसान बड़ी बात है भाई। तो यहाँ पे ना गुलगुला की बात हो रही थी, ठीक, मतलब मम्मी मेरी इसके पहले जब भी ट्राई करती थी गुलगुला कड़क हो जाता था, तो मैंने एक मेरी बुआ से पूछा था कि गुलगुला में क्या डालने से सॉफ्ट हो जाता है, तो बोली थी सोडा। हाँ तो उसके बाद मेरी मौसी ना बात का बतंगड़ बनाने में ना मान ली एकदम, तो नानी से चिल्लाने लगी नहीं डालते नहीं डालते ये वो, पर नहीं डाला जाता है अगर आपको सॉफ्ट करना है गुलगुला तो डाला जाता है, इसका कोई ख़राब नहीं, बट हाँ इनो मत डालना उसका टेस्ट आने लगेगा, बेकिंग सोडा डालोगे तो अच्छा है। अरे नमक
तो फिर यहाँ पे फाइनली मम्मी ने माता रानी जी को बैठाया, मतलब साड़ी से ही बना के देखो, लग रहा है ना ऐसा कि कोई मूर्ति बैठी हुई है। ऐसे ही हर बार ऐसा ही होता है और मैंने ऐसे ही देखता, मेरी नानी भी ऐसे ही करते आई हैं। फिर यहाँ पे साड़ी को बैठाने के बाद माता रानी जी को ऐसे साड़ी पे बैठाने के बाद फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस में। और यहाँ पे मौसी आराम से, लेकिन मम्मी पका, फिर जो चावल पिसा हुआ था उस पर मम्मी हल्दी डाली और मैंने थोड़ा पानी डाला, उसको पतला पेस्ट हो जाए जिससे हाथ का छापा आराम से दीवार पे लग सके। तो यहाँ पे शायद 9 छापा मम्मी लगाती हैं, 9 हाथ तेल। और यहाँ पे मौसी जो हाथ में नहीं बांधते धागा उसको काट के दे रही थी तोड़ के, ताकि वो दिया की बत्ती में यूज़ हो सके। देखो यहाँ पे देखो ऐसा 9 हाथ लगेगा। तो मेरी मौसी कह रही थोड़ा अच्छे अच्छे से लगा, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो यहाँ पे पता है मैं मौसी बात कर रही थी कि तू भी ससुराल जाएगी तो तू ऐसे छप्पा मारे ही रहा जो दीवार पे सीरियल में होता है। तो मौसी कह रही मैं हर जगह मारूंगी, बस दीवार पे नहीं। फिर यहाँ पे छापा मार के हो गया। फिर मम्मी सेंदूर से जितने भी उंगली में सब 5 उंगली में ऐसे ऐसे सेंदूर टीका लगा रही थी। नारियल फिर मतलब आप देख रहे हो, पहले मम्मी ने हाथ का छापा मारा, फिर माता रानी को बैठाया, फिर कलसा। अब बारी आ गई कलसा रखने की। तो यहाँ पे मम्मी कलसा रख रही है, वो जो बनाई थी ना स्टोन वो उधर 9 रखी, फिर उसके बगल में कलसा रख रही है। ये ले एक दिया रे, वो जो कलर रखो बंदी लगी छोड़ बड़ा वाला, उसको खाते दूलो कैसी है ना, दिया जला रहा है एक फ्लैट। फिर यहाँ पे मम्मी स्टोन पे भी सिंदूर लगाया और कलसा को भी पता है वो लॉकेट, ये जो शीतला माता का लॉकेट है ना वो पहनाते। और फिर माता रानी को भी अपना सिंदूर से टीका लगाया। फिर बाद में नानी मेरे को पता है फ़ोन करके बोलती है कि ये जो कलसा है उसमें माता रानी को नहीं मतलब पहनाते, कलसा को नहीं, वो जो माता रानी है उनको पहनाते। तो मम्मी बाद में इसको निकाल के फिर माता रानी को पहनाती है। फिर यहाँ पे मम्मी फूलों से सजा रही, कितना सुंदर लग रहा है ना, सच में अच्छा लग रहा है। भाई साहब मेरी हालत तो देखो कैसी हो गई है, मतलब बाल भी धोती ना झाड़ी थी कुछ नहीं। अब जब तक मम्मी पूजा स्टार्ट नहीं करेगी उसके बाद ही खाना बनना, तो मैं बैठ के बस ऐसे सब रिकॉर्ड कर रही थी और नानी से हम लोग बात कर रहे थे। अब देख सकते नानी का फोन आधा घंटा होने आया है। कल ही ना नानी के कि फोन चालू करके रख ले रहा था, नानी टीवी चालू करके रख दिए, उससे क्या बात करने। मम्मी अड़ूल का जो फूल का माला रहता है वो शीतला माता जी को चढ़ता है वो पहना है। फिर उसके बाद जब नानी बोली ना तो देखो मम्मी निकाल के फिर शीतला माता जी को पहना था। फिर यहाँ पे दिया जला के अब हो गया है पूजा स्टार्ट। पान भी रखी है, सुपारी भी रखी है, सब कुछ रखा है। खाना बना के पूजा कर ली कि पूजा करके खाना बना ली? अरे वो ना है बाबा पूरी हलवा ऐसे। मतलब मेरी मौसी को हर जगह पगले ही बुद्धि करने का ही करने का। अब मम्मी कर रही तो शांति से करने देना चाहिए। तो उस पर पूछ, पहले पूजा कर लेती है फिर खाना बनाती है, खाना बनाती फिर पूजा करती है। मेरी मम्मी पूजा करती है फिर उसके बाद उनके लिए भोग बनाती है। मम्मी को पर क्या बोलने का मेरी मौसी को एकदम। हाँ नहा तो ले, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? अच्छा अभी हमने कहीं तो जाते स्टार्ट करे, हाँ पूजा हो गया बस। अब एक बार जाते हमने खाना बनाए फिर चढ़ावे दोपहर को भोरे का। अच्छा फिर अभी बरिश्ता से हमारा भोग बनाने के लिए माता रानी को। तो यहाँ पे हम जो काली वाली दाल है उसको बहुत टाइम लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, करीब आधा घंटा से भी ऊपर। इतनी सीटी हो जाती फिर भी वो पकती नहीं। मम्मी इसको दोबारा भी पकाई थी तो सीटी रख दी थी, तब तक ये देखो मेरी बहन
उसको लग गई थी भूख, कह रही भाई क्या खाओ, तो लोग दही जमाए थे वही खा रहे थे, मुझे खा तुझे तो नींद आ नहीं रही ना ऐसे के समय पे, यहाँ हमें नींद लग रही है। एक्चुअली ये ना मैं कब से ना खोए वाली पूड़ी मांग रही थी, मतलब जब किचन विचन धोने के पहले रात का जो खाना था मैं खोए वाली पूड़ी बनाई थी, और हम लोग का फास्ट भी था, फिर हम लोग का फास्ट था तो मैं खोए वाली पूड़ी बनाई थी तो ये मांग रही थी, मैं उसको नहीं दी थी। यहाँ देखो मेरा गुलगुला भाई क्या सॉफ्ट सॉफ्ट निकल रहा था, मैं एकदम फूल जा रहे थे एकदम गुलगुले के तरह। ये गुलगुले को पता है मैंने करीब 2 घंटे पहले भेज के रखे थे, इसमें मैंने 1/2 किलो आटा डाला या पाव भर रहा होगा, फिर उसी के हिसाब से शक्कर डाला, पानी डाल के उसको अच्छे से फेंट के रखा था और हल्का सा बेकिंग सोडा रखा था। मतलब मैं बता नहीं सकती, देखो ये मेरी परी उठ गई थी पगली, कह रही दे दे खोवाली पूड़ी दे, तब इधर ऐसे ना थोड़ा ड्रामा कर रही थी, हाँ कहीं ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत किया कर। देख क्या बोल रही है, फिर हमारा गुलगुला जब छना गया फिर उसका पूड़ी की बारी आई, तो यहाँ पे मौसी कह रही है गोला छानने का, क्या गोला बेलने का, बोली बेल दे हटा दे कोई नहीं चलेगा, मेरी परी कह रही है दे दे पूड़ी दे देखो। फिर उसके बाद पूड़ी भी छान के हो गया, और आप देख सकते हो परवे की भाजी, ओ माई गॉड। हाँ एक और बात, सब कहते हैं ना कि लहसुन प्याज के बिना कुछ नहीं बनता, गाइस ये जब परवल की भाजी और कोहड़ा की भाजी देख रहे हो बिना लहसुन प्याज के, भगवान को बिना लहसुन प्याज डालोगे ना तो कभी वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो बिना लहसुन प्याज के ही बनता है उनका भोग, और मैं वो 1 साल हो गया मेरे को खा के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर एक मैं स्टोरी बताओ, ये पूजा हम घर पर करें जब गाँव में रहते थे ना, 5 साल थी मैं, हाँ तो नारी ना शीतला अदलपुरा जाके पूजा करती थी, पता है इतना मज़ा आता था ना, सब 3-4 मेरी सारी नानी जो भी आसपास की सब सब नानी की दर नानी लगते, उनके साथ जाके वहाँ पे कोहड़ा की भाजी तो भाई बनना ही बनना है, वो मेन है, फिर हलवा, फिर गुलगुला पूड़ी, और यहाँ पे हमारा भी सारा प्रसाद बन के रेडी हो गया था, 3:30 बज गया था, सब टाइम पे हो गया था, ऑन टाइम हो गया था, मम्मी घर अंदर चढ़, फिर उसके बाद मैं भी फटाक से चेंज कर ली और मम्मी बाहर पूजा करने के लिए, मतलब ऊपर है तो मम्मी की तो हाइट है नहीं, अगर मैं भी करती तो कुर्सी लेती तो मम्मी कुर्सी मंगाती, बाहर भी 9 ऐसे हाथ के छापे, फिर सिंदूर से टीका लगाएगी, द्वार पे भी पूजा करेगी, यहाँ पे देख सकते हो आप नीम के पत्ते मम्मी ने टांगे हैं। हाँ मतलब आप सब सोच रहे होंगे कि भला कि मैं इस पागल का वीडियो क्यों देखूँ, पूरा 23 मिनट क्यों गवाऊँ, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप ये वीडियो देखें तो मैं गारंटी देख रही हूँ आपको इतने डिटेल में तो पूजा मिल ही गया होगा कि आप इसको अगर आप पहली बार भी कर, मतलब अगर आप पूजा ये घर पे पहली बार कर रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कैसे कब करना है, कितने बजे स्टार्ट करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। बाहर भी मम्मी 5 वो जो पत्थर बनाई रहती है ना वो चढ़ाती है, फिर उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं चावल वाला है वो भी चढ़ाती है, फिर वहाँ पर भी एक गोहरी है उसको जला के रखी ताकि धूप अच्छे से बना रहे, फिर बाद में हमारे बिल्डिंग के बाहर जो हमारा क्या बोलते हैं हॉल है वहाँ पे गणपति बप्पा जी बैठे तो वहाँ पे भी मम्मी चढ़ाती, फिर उसके बाद हम रात को कितना 5:30 बजे निकल जाते हैं मंदिर में पूजा कर। फिर पता है हमारे जो आसपास की सारे बिल्डिंग में सब लोग सोए, हम लोग बस जा रहे थे अच्छा लग रहा था वैसे रात को फ्रेश फ्रेश होके फिर मंदिर जाने में। फिर यहाँ पे पता है मेरी बब्बी बोलती अच्छा मोबाइल लेके आइए, मैं बोली नहीं तो कहती पागल गाना बजाते हुए जाते, अब इतनी सुनसान रास्ते में मोबाइल नहीं लेके आए हैं, और दौलत ना चांदी ना सोना माँ, तो गाने गाते गाते जाते मैं एक छोटा सा को सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने। एक अच्छी बात पता है मेरी मम्मी भी वही गाते गाते आ रही है, क्योंकि उसको डर लगता है रात को, सीरियसली कोई भी नहीं है, सी नो वन इज हियर, हम डेट पे आए भगवान जी के साथ मस्त में पूरी हाँ दही, और हम उनके लिए अच्छा अच्छा भोग बनाए हैं वो लेके जा रहे हैं। एक और बात गाइस, चलते चलते तो फ्लो फ्लो में निकल गया, वो बात को अगर लेके बैठोगे ना तो हो गया, ऐसे मजाक में बस जोक्स ऑफ द पार्ट था, ऐसे ही हम अपने आप को थोड़ा हंस करके लेके जा रहे थे मंदिर पर, हम ये भी सोचे थे कि मंदिर खुला होगा या नहीं, सबसे बड़ी बात साल भर में पूरा एक बार ये बात तो है। फिर चलो हमारा लक अच्छा था कि मंदिर इस बार खुला हुआ था, वरना मम्मी इसके पिछले बार आई थी ना तो मंदिर नहीं खुला हुआ था,
पर जो अंदर की छोटी छोटी मंदिर थी वो बंद थी, जैसे कंस शंकर जी की, फिर साईं भगवान की और हनुमान जी की बंद थी। पर ज़रूरी इस वक्त था नीम के पेड़ की, क्योंकि उन्हीं की पूजा होती है। तो यहाँ पे भी दो तीन लोग मुझे लगता आके पूजा करके चले गए थे। तो यहाँ पे भी वही सब फॉलो करना है, वही जो मम्मी छोटे छोटे स्टोन बनाई थी वही यहाँ पे चढ़ाएगी। मम्मी थोड़ा बैठ जाती है, रिलैक्स हो जाती है, फिर उसके बाद थोड़ा पूजा स्टार्ट करती है। देखो वही सब यहाँ पे करेगी, वही थोड़ा सब चढ़ाएगी, फिर उसके बाद वही सब कुछ कंटिन्यू करेगी पूजा में। घी भी डाल के पूरा हवन जैसा नहीं होता वैसा कुछ चलाएगी। फिर उसको फिर यहाँ पे एक आंटी भी आ जाती थी तब तक पूजा करने के लिए। फिर यहाँ पे पेड़ पे भी मम्मी अपने नौ छापे ऐसे हाथ के लगाती है और फिर वही सिंदूर से फिर उनको ऐसे करती है, टीका लगाती है पूरे पे। देखो मतलब साल भर में दो बार नवरात्र आता है, एक ये जो मार्च अप्रैल वाला होता है और एक जो ठंडी में पड़ता है, पर ये दोनों नवरात्र बहुत स्पेशल होता है सच्ची। साल भर में एक बार ये पूजा करने का मज़ा ही कुछ और है। बंद है आंटी, बंद है। हाँ, फिर एक चीज़ जो मम्मी घर पे और बाहर नहीं की थी वो था जल हरा देना। तो मम्मी नीम के पत्ते को आके वो जल चढ़ाई थी और लास्ट में हम लोग ने अच्छे से पूछ लिया। फिर हम लोग ने आगे गए शंकर जी के मंदिर पे और फिर उसके बाद साईं भगवान के मंदिर पे। यहाँ पे भी हम लोग ने थोड़ा ऐसे मम्मी ने वो पता है प्रसाद चढ़ाया था ना, फिर क्या हुआ कोइंसिडेंट मतलब कह सकते माता रानी के रूप में कह लो, कुछ किसी भी चीज़ में कह लो। बाद में पता है ये जो प्रसाद रखी थी ना नंदी भगवान जी के ऊपर से, क्योंकि बंद था हमारा हाथ भी नहीं पहुँच रहा था, बिल्ली पता आके इसको खा गई थी। मतलब फिर हम मम्मी मेरे को बोल रही देख 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 बिल्ली आके खा ली। बोली क्या करे देख प्रसाद में, बोली हमारे दर्शन हो गए, तो सफल तो हो गई हमारी पूजा। और बहुत थक गए मेरी मम्मी भी और मेरी मौसी भी। इसको तो बेचारी को तो जॉब पे भी जाना है, 8 घंटा काम करना है उधर जाके, मुझे भी क्लासेस जाना है, ऐसा नहीं है दुकान देखना है। बट ठीक है, साल भर में एक ही बार आता है, एक ही बार मेहनत करते हैं, बट ये दिन याद रहता है सीरियसली, और अच्छा भी जाता है देखा जाए तो। पर सच्ची आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर ये अंधेरा दिख रहा हो तो घबराइए मत, कल जरूर सवेरा होगा। और लास्ट में गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि बच चुके थे 5:30। गुड मॉर्निंग।